कटाव में बिछिया ब्लॉक की ग्राम पंचायत कोरारी कला में शासन को कूड़ा घर बनवाने के लिए शासन से 4,50,000 रुपए मंजूर हुए थे। कूड़ा घर तो बनवाया गया सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए। ग्राम विकास अधिकारी संदीप मिश्रा व प्रधान प्रतिनिधि सुरेश कुशवाहा के द्वारा घटिया सामग्री से निर्माण कराया गया। पीला ईंट डस्ट बालू से बिल्कुल घटिया सामग्री से निर्माण कराया गया है। जब इसकी रियलिटी चेक करने पहुंचे हमारे संवाददाता विनोद कुमार सोनकर ने तो भ्रष्टाचार की पोल खुलकर सामने आ गई। ग्राम विकास अधिकारी संदीप मिश्रा व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा लाखों रुपए का सरकारी धन का बंदरबांट किया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मामले गंभीरता से लेकर जिलाधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, ये तो देखने वाला समय ही बताएगा। हम उन्नाव जनपद के बिछिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत कुरारी कला गांव में मौजूद हूँ। ग्राउंड जीरो पे पीछे हमारे तस्वीरों में देख सकती हूँ कि कूड़ा घर बनाया जा रहा है। इस कूड़ा घर के शासन से 4,50,000 रुपए की अनुमानित लागत हुई थी, लेकिन हम आपको बताते चले इस कूड़ा घर जो बनाया गया है पूरी तरीके से मानक विहीन कार्य कराया गया है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हो इसी बालू और पीला ईटा के द्वारा कूड़े घर का निर्माण कार्य कराया गया था। इससे यही जाहिर होता है कि ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान के द्वारा लाखों रुपया भ्रष्टाचार किया गया है, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। हम आपको दिखाते चले कि कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि हम तस्वीरों में आपको दिखाएं इस पीला ईटा के द्वारा कैसे निर्माण किया गया इस भवन का। ये पूरी तरीके से घटिया सामग्री के द्वारा ये पीला ईटा बनाया गया है। पूरी तरीके से ईटा एक ईटा फेंकने से पूरी तरीके से ईटा टूट जाता है। इससे यही जाहिर होता है कि ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान की मिली भगत से सरकारी धन का खुलेआम बंदरबांट किया गया है। हम आपको बताते चले कि पूर्व भी ग्राम प्रधान के ऊपर 25,00,000 रुपया का CDO ने FIR किया था और रिकवरी का आदेश भी दिया था, लेकिन अभी तक का ग्राम प्रधान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्नाव से विनोद कुमार सोनकर, खबर एक्सप्रेस।